हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अगेन बॉटल लैम्प। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ट्रांसपेरेंट बॉटल, और इस तरह का कोन हम रेडी करेंगे वॉल पुट्टी के साथ में। ये कोन मैंने कैसे बनाया है, कौन सी वॉल पुट्टी यूज़ करी है, तो इसका एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोन की हेल्प से सेंटर पार्ट में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाती है तो इसे अच्छे से ड्राई होने दें। नाउ जो रिमेनिंग एरिया है ना, वहाँ पर हम वॉल पुट्टी को कुछ इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर आप कोई टूल की हेल्प से भी लगा सकते हैं या फिर सिंपल फिंगर से भी लगा सकते हैं। नाउ किसी हार्ड ब्रश की हेल्प से आपको कुछ इस तरह से ब्रश को यूज़ करते हुए टेक्सचर क्रिएट करना है, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसे आप अच्छे से ड्राई होने दें। तो इसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉटल लैम्प या फिर कोई भी डेकोर पीस की तरह, या फिर आप इसे कलरफुल भी बना सकते हैं ग्लास कलर्स की हेल्प से। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं ग्लास कलर्स को ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं ग्लास कलर्स फिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम डायरेक्टली ग्लास कलर्स फिल करते हैं तो बहुत बार कलर्स बाहर आने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ। ग्लास कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर होममेड ग्लास कलर्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये कलर्स मैंने कैसे बनाया है, तो उसका वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप रेडीमेड कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में आप फेविक्रिल के या फिर कैमल के कोई से भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी मैं ग्लास पेंटिंग्स रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा आते ही हैं। उसमें से फर्स्ट ये है कि जब फिल करते हैं तो वो ड्रिप होने लग जाते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें कलर्स फिल कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा जो कलर होता है ना वो बाहर निकलता है। तो आप ब्रश की हेल्प से कलर फिल करें तो आपके कलर्स ड्रिप नहीं होंगे। सेकेंड, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन या कमेंट मुझे मिलता है कि जब हम एक साइड में कलर करते हैं और उसके बाद में हम जब दूसरी साइड में करते हैं तो पहले वाली साइड वाले कलर सारे ख़राब हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करें। तो जब कभी भी हम इस तरह की राउंड बॉटल पर वर्क करते हैं ना, तो हमें ऑलवेज़ वन साइड अच्छे से ड्राई होने देने का वेट करना है, उसके बाद में ही हमें दूसरी साइड पर वर्क करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि चाहे हम ब्रश से करें या फिर हम डायरेक्टली उसमें फिल करते हैं कलर, तो भी बहुत बार एजेस पर तो डार्क रहता है कलर और बीच में थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। देखो, वैसे तो ऐसा होगा राउंड बॉटल पर कि जो एजेस है वहाँ पर आपका थोड़ा सा कंपेरेटिवली कलर जो होगा वो डार्क होगा, और बीच में जो कलर होगा वो थोड़ा सा लाइट होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, कि जब एक बार आपके कलर्स अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो सेकंड कोट आप अगेन अप्लाई कर दें, जहाँ पर भी आपको लगता है कि कलर थोड़ा सा लाइट है वहाँ पर अगेन आप एक बार और कलर कर दें, तो उससे आपके सारे कलर्स इक्वल लगेंगे। तो इसी सेम प्रोसेस को करते हुए हम बॉटल को कम्प्लीट करेंगे। तो जो हमने सेंटर में जो डिज़ाइंस बनाई है ना, उसके लिए हमने वाइट कोन यूज़ किया है और बीच में हमने सारे कलर्स यूज़ किए हैं, तो बहुत बार कलर आपके वाइट कोन की जो लाइंस है ना उसके ऊपर आ जाएंगे, तो वो दिखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए लास्ट फिनिशिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगेन इन लाइंस के ऊपर फिर से कोन से आप एक बार और बना दें, तो उससे आपका वर्क अच्छे से हाईलाइट होके आएगा। और जो रिमेनिंग एरिया है ना, वहाँ पर हम एक्रिलिक पेंट से कुछ इस तरह से कलर फिल कर लेंगे। और एक बार जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा एंटिक लुक देने के लिए हम यूज़ करेंगे मेटेलिक वैक्स। बॉटल को अच्छे से ड्राई होने का वेट करेंगे, और उसके बाद में हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वार्निश। और यहाँ पर जब आप वार्निश यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप ग्लॉस फिनिशिंग वाला वार्निश ही यूज़ करें, तो उससे आपके इस बॉटल में एक्स्ट्रा शाइन ऐड हो जाएगी।
और बॉटल कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। आप इसके अंदर फेरी लाइट्स ऐड कर दें और उसे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉटल लैम्प। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को कर दे लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।